नादिर शाह ने जब दिल्ली पर हमला किया तो कहते हैं वो यहाँ से 100 करोड़ रुपए बराबर दौलत लेकर के गया था। इसमें कोहिनूर जैसा बहुमूल्य हीरा भी शामिल था। नादिर शाह हालांकि दिल्ली पर कब्जा नहीं करना चाहता था, इसलिए समझौते के तौर पर उसने अपने बेटे नसरुल्लाह की शादी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह की भतीजी यानी कि औरंगजेब की पड़पोती से कर दी थी। अब मुगलों में परंपरा थी कि वो दूल्हे की 7 पीढ़ियों का पता कराते थे। जब नादिर शाह के बेटे के बारे में पूछा गया तो उसने जवाब भिजवाया, कह दो जाकर कि वो नादिर शाह का बेटा है जो तलवार इब्ने तलवार इब्ने तलवार है और 70 पीढ़ियों से ऐसा ही है। यानी नादिर शाह का बेटा तलवार का बेटा है और 70 पीढ़ियों से ऐसा ही होता आया है। नादिर शाह ऐसा इसलिए कहता था क्योंकि वो किसी शाही परिवार से ताल्लुक नहीं रखता था। चरवाहों के कबीलों में पैदा हुआ एक लड़का कैसे दुनिया की सबसे ताकतवर फौज का मालिक बना और उसने भारत पर आक्रमण आखिर क्यों किया, जानेंगे आज के एपिसोड में। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें आज हम आपको सुनाएंगे कहानी नादिर शाह की। साल 1698, आज के ईरान के उत्तर में खुरासान प्रांत में एक पर्वत होता था। अल्लाहु अकबर नाम के इस पर्वत के पास से गांव में जन्म हुआ नादिर शाह का। उसके पिता स्थानीय कबीले के एक चरवाहे थे और निम्न वर्ग से आते थे। अपने अतीत के बारे में नादिर शाह लिखता है, या आप कह लीजिए कि लिखवाता है, तलवार की ताकत इससे नहीं आकी जाती कि उसका लोहा किस खान से निकला है। कहने का मतलब नादिर शाह को इससे कभी फर्क नहीं पड़ा था कि वो किस वर्ग से आया था, बैकग्राउंड क्या था। उसका सपना था शासक बनने का, यानी शाह बनने का। बचपन में उसका नाम नादिर कली रखा गया था। पैदा होने के कुछ साल बाद ही पिता चले गए, लेकिन नादिर शाह ने घुड़सवारी सीखी और खुद को एक बेहतर शिकारी के रूप में उसने विकसित किया। 15 साल का होते होते वो एक स्थानीय गवर्नर के यहाँ नौकरी भी करने लगा। शुरुआत एक तमंचे के रूप में हुई थी, लेकिन नादिर शाह की काबिलियत देख गवर्नर ने उसे अपना खासम खास बनाया। साल 1714 में उसने अपनी ज़िंदगी की पहली जंग लड़ी। इस जंग में नादिर शाह ने वो बहादुरी दिखाई कि उसे ईरान के बादशाह ने दरबार में बुला लिया और सबके सामने इनाम भी दिया। ईरान में तब सफ़ेद साम्राज्य का शासन था, हालांकि उनके दिन पूरे ही हो चले थे। सफ़ेद वंश ने 200 साल तक ईरान पर शासन किया, लेकिन साल 1720 के आसपास जब अफगानों ने ईरान पर हमला कर दिया, सफ़ेद बादशाह को घुटने टेकने पड़े। कहानी कहती है कि खुद अफगानों से मांगे एक घोड़े पर सवार होकर बादशाह अफगानों के पास समर्पण के लिए पहुंचे और ईरान पर अफगानों का इस तरह कब्जा हुआ। नादिर शाह इस समय उत्तरी ईरान के एक शहर कलात में ठिकाना जमाए हुए था। ईरान पर चारों तरफ से खतरा मंडरा रहा था। पूर्वी हिस्सों पर रूस और ऑटोमन्स का कब्जा हो गया था। हालात ऐसे थे तब कि कभी भी जंग की नौबत आ सकती थी। इस स्थिति का फायदा उठाते हुए साल 1725 में नादिर शाह ने ईरान के पूर्व सफ़ेद बादशाह के बेटे तहमास को अपना समर्थन दे दिया और उसे बादशाह घोषित करवा दिया। इस तरह नादिर शाह की हैसियत बहुत ऊपर चली गई जहाँ से वो आया था उससे। बाकायदा नादिर शाह को यहाँ से एक नया नाम मिला, तहमास कली खान यानी बादशाह का गुलाम। यहाँ से नादिर शाह की ताकत में इजाफा ही हुआ। ईरान का एक शहर है मशहद, जो कभी सफ़ेदों की राजधानी भी था। नादिर ने अपने बादशाह के लिए इस शहर को जीत कर दिखा भी दिया कि मैं आपके कितने काम का हूँ। किस्सा है कि मशहद में एक मज़ार पर नादिर शाह दर्शन के लिए गया। वहाँ उसने देखा कि बाहर एक नेत्रहीन भिखारी भीख मांगता है। नादिर शाह ने उससे पूछा कि कब से दुआ मांग रहे हो। भिखारी ने जवाब दिया कि 2 साल से मांग रहा हूँ साहब। नादिर शाह ने फिर उससे कहा कि 2 साल में दुआ कबूल नहीं हुई तो समझ लो ईमान बहुत कच्चा है। इसके बाद नादिर ने कहा कि मैं मज़ार में जा रहा हूँ, मेरे वापस आने तक भी अगर दुआ कबूल नहीं हुई तो सिर कलम कर दूंगा। इसके बाद नादिर शाह मज़ार के अंदर गया। कुछ देर बाद लौटा तो वही भिखारी चिल्ला रहा था, चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया, मेरी आँखें ठीक हो गई। असलियत ये थी कि वो भिखारी नेत्रहीन होने का दिखावा करता था। आगे कहानी कहती है कि नादिर शाह उसे देख कर मुस्कुराया और चला गया। बहरहाल आगे बढ़ते हुए बताते हैं कि नादिर शाह के साथ उसके जीवन में क्या हुआ। मशहद जीतने के चलते नादिर शाह की हैसियत बहुत बढ़ गई। इसे देखकर शाह तहमास उससे खार भी खाने लगा। उसे डर सताने लगा कि कहीं नादिर शाह उसी की गद्दी न छीन ले। चंद महीनों बाद एक रोज़ उसने नादिर शाह को गद्दार घोषित कर दिया। नादिर ने बादशाह की इस हरकत का भरपूर जवाब दे दिया। उसने बादशाह और उसके मंत्रियों के संपत्ति कैद कर उनका घेराव कर दिया।
अंत में बादशाह को नादिर शाह से समझौता करना पड़ा। सोचिए, गुलाम से समझौता। इस घटना के बाद ये साफ हो गया कि असली ताकत ईरान में नादिर शाह के पास है और वो बादशाह से भी ज्यादा ताकत रखता है। नादिर शाह ने सत्ता पर कंट्रोल स्थापित करने के बाद साम्राज्य को बढ़ाने का फैसला किया। सबसे पहले उसने अफगानों से जंग की और ईरान पर पूरी तरह से कब्जा इस्टैब्लिश किया। इसके बाद उसने ऑटोमन फौज के साथ जंग लड़ी, क्योंकि ऑटोमन साम्राज्य ने ईरान की पश्चिमी सीमा पर कब्जा किया था। इन दोनों जंगों में उसे जीत मिली। अब नादिर शाह को जो ये सैन्य सफलताएं मिल रही थी, उसके पीछे उसकी सैन्य ताकत थी। ऑब्वियसली इतिहासकारों ने लिखा है कि 18वीं सदी के मध्य में नादिर शाह की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज थी। यहां मतलब सिर्फ एशिया से नहीं है कि सिर्फ एशिया में पावरफुल, बल्कि नादिर शाह की फौज यूरोप के मुकाबले भी ताकतवर फौज थी। नादिर शाह की फौज में हर 50 सैनिकों के बीच एक कमांडर भी होता था और कमांडर की नियुक्ति खुद नादिर शाह करता था। फौज की लगातार ट्रेनिंग चलती थी जब लड़ाई नहीं होती थी, और इसमें खुद नादिर शाह भी हिस्सा लेता था कि तुम भी ट्रेनिंग करो, मैं भी कर रहा हूँ। ट्रेनिंग के दौरान लगातार अभ्यासों के चलते नादिर शाह और उसकी फौज के बीच एक ऐसा सामंजस्य बन गया था कि युद्ध में उसके इशारे भर से रणनीति वो बदल लेते थे, एक मशीन बना ली थी। इसी युद्ध रणनीति की बदौलत साल 1735 तक नादिर शाह ने न सिर्फ ईरान को पूरी तरह से मुट्ठी में किया, बल्कि सफेद बादशाह को हटाकर खुद को आधिकारिक रूप से बादशाह घोषित कर दिया। अब यहां से नादिर शाह का वो सफर शुरू होता है जिसके अंत में वो आता है दिल्ली और मशहूर कोहिनूर हीरे को लूट कर वो यहां से ले जाता है। नादिर शाह दिल्ली क्यों आया, इसकी कहानी भी है दिलचस्प, क्योंकि दिल्ली पर कब्जा करना उसका मकसद था नहीं। ओरिजिनली वो दिल्ली को टारगेट करने के हिसाब से नहीं आया था। ये बात इससे भी जाहिर होती है कि लूटने के बाद वो वापस ईरान भी गया। 1738 की बात है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला एक रोज आरामगाह में पसरे हुए थे। शराब और नाच का दौर चल रहा था। अचानक एक हरकारा दौड़ता आता है, बादशाह को एक चिट्ठी देता है। बेहद जरूरी संदेश ली हुई इस चिट्ठी को बादशाह ने पकड़ा और शराब के प्याले में डुबोते हुए अर्ज किया, आईने दफ्तार बेमाना घर के मैं ना बुला। यानी बिना मतलब की चिट्ठी को तो नीट दारू में डुबो देना ही बेहतर है। ये देखकर हर कारे के पसीने छूटने लगे। उसने दरख्वास्त की कि हुजूर, नादिर शाह पहुंचने वाला है। रंगीला के कान में जू भी नहीं रहेंगी। बोतल से प्याले में शराब उड़ेलते हुए बोले, हनूज दिल्ली दूर अस्त। यानी दिल्ली बहुत दूर है, लेकिन न दिल्ली दूर थी न नादिर शाह की फौज दूर थी। अब सवाल ये कि नादिर शाह ने दिल्ली पर किया क्यों हमला। तीन कारण थे। पहला तो यही कि उसे पता था कि मुगलों ने दौलत दिल्ली पर रंगीला बिठा रखा है, जो लड़ने में एकदम कच्चा था, अभी आपने वर्णन सुना। दूसरा कारण ये कि दरअसल जंग में जीत हासिल करने के लिए नादिर शाह ने बड़ी संख्या में फौज इकट्ठा कर ली थी, लेकिन इस बड़ी फौज का एक घाटा था कि इसके रखरखाव पर पैसा बहुत बर्बाद होता था। नादिर शाह ने बादशाह बनने के बाद कंधार का रुख किया इस कैंपेन में, लेकिन इतना खर्च उसको आया कि ईरान की पूरी अर्थव्यवस्था खस्ताहाल हो गई। नादिर शाह को पैसे की ज़रूरत थी, लिहाजा उसकी नज़र गई दिल्ली पर, हिंदुस्तान पर। कंधार पर हमला करने से पहले नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को एक पैगाम भेजा जिसमें लिखा था कि कंधार से कबीले वाले भागकर मुगल टेरिटरी में शरण लेने आएंगे और आपको ऐसा नहीं होने देना है। मोहम्मद शाह ने कभी किसी की सुनी नहीं थी जो वो अब सुनते, कोई ध्यान दिया नहीं, और फिर वही हुआ जैसा नादिर शाह ने कहा था। काबुली वालों ने मुगल बॉर्डर में शरण ले ली। नादिर शाह ने एक और अल्टीमेटम भेजकर कहा कि उन्हें हमारे आप हवाले कर दीजिए। रंगीला बादशाह फिर भी नहीं चेता। इसके बाद नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला करना ठाना और किया भी। काबुल, जलालाबाद, पेशावर और लाहौर को नेस्तो नाबूद करता हुआ दिल्ली की सरहद तक आ पहुंचा। तब मुगल कमांडर भागता हुआ मोहम्मद शाह के पास पहुंचा और बोला कि हुजूर, दिल्ली के बाहर फौज का समंदर खड़ा है, 2 मील चौड़ाई और 6 मील लंबाई तक फौज ही फौज दिखती है। नादिर शाह ने दिल्ली को चारों तरफ से घेर कर वहीं पड़ाव डाल दिया, डेरा डाल दिया। हफ्ते भर में मुगल कैंप में रसद खत्म होने लगी। तब नादिर शाह ने मोहम्मद शाह को बातचीत के लिए न्योता भेजा। मोहम्मद शाह पहुंच भी गए, सिर्फ चंद बॉडीगार्ड्स के साथ गए थे और नादिर शाह ने उन्हें कर लिया कैद। इसके 2 दिन बाद दोनों सुल्तान साथ साथ दिल्ली में दाखिल हुए। नादिर शाह को बादशाह के आरामगाह में रुकवाया गया, जबकि मोहम्मद शाह खुद जनाना क्वार्टर में शिफ्ट हुए। दिल्ली बेवा हो गई थी, बस उसका जनाजा निकलना बाकी था और निकला। नादिर शाह के 40,000 सैनिक शहर में दाखिल हुए। लोग बढ़े तो अनाज के दाम बढ़ने लगे। इस चक्कर में पहाड़गंज में एक रोज़ नादिर शाह के सैनिकों की एक दुकानदार से बहस हो गई, दंगा हो गया। जल्दी अफवाह फैल गई कि नादिर शाह को एक जनाना गार्ड ने कत्ल कर दिया। भीड़ ने नादिर शाह के सैनिकों पर हमला बोल दिया। दोपहर तक
900 सैनिक मारे गए नादिर शाह के। अब नादिर शाह मरा तो था नहीं, उसे जब ये खबर मिली तो उसने कत्लेआम का हुक्म दिया। अगली सुबह वो लाल किले से अपने घोड़े पर बैठकर शहर के मुआयने के लिए निकला और चांदनी चौक से करीब आधा मील दूर रोशनउद्दौला की मस्जिद पर जाकर वो खड़ा हुआ ताकि एक ऊंची जगह से ठीक से शहर का मंजर वो देख सके। सुबह 9 बजे कार्रवाई शुरू हुई और कुछ ही देर में दरीबा, चांदनी चौक और जामा मस्जिद के पास की गलियों में खून बहने लगा। अगले कुछ दिनों तक वो कत्लेआम मचा कि दिल्ली की 30,000 जनता को गाजर मूली की तरह काट डाला गया। दक्कन में निजाम उल मुल्क को खबर लगी तो उन्होंने अवध के नवाब सआदत खान से कहा कि किसी तरह इस मारकाट को आप रुकवाइए, क्या हो रहा है दिल्ली में। सआदत खान ने निजाम को झिड़क कर अपने कैंप से लेकिन बाहर निकाल दिया और उसी शाम जहर खाकर अपनी जान दे दी। इसके बाद निजाम खुद हाथ पांव जोड़कर नादिर शाह के पास पहुंचे और जनता को बख्श देने की भीख मांगी। नादिर शाह तैयार हुआ लेकिन उसने निजाम से कहा कि इसके बदले 100 करोड़ रुपए लूंगा, मरता क्या ना करता। अगले कुछ दिनों में निजाम ने दिल्ली को लूटा और उससे 100 करोड़ इकट्ठा किए। 348 साल में जमा की गई मुगल दौलत एक झटके में इस हाथ से उस हाथ चली गई। करोड़ों के हीरे जवाहरात, सोना चांदी, इतना सब कुछ लूटा गया कि नादिर शाह के मुंशी पूरी तरह हिसाब कर ही नहीं पाए। सब कुछ ले चुकने के बाद भी लेकिन नादिर शाह का मन नहीं भरा। आखिर में उसने मुगल दरबार की शान तख्त ताऊस को उठवाया और वापस लौट गया ईरान। उसमें जड़े कोहिनूर और तैमूरिया मणिक भी उसके साथ ही चले गए और साथ ही चला गया मुगल सल्तनत का सारा वैभव और धनधान्य। इसके बाद नादिर शाह का क्या हुआ? दिल्ली पर जीत ने नादिर शाह को पूरे दुनिया में फेमस किया। अंग्रेज जो कि मुगलों पर नकेल कसने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों से नादिर शाह के ऊपर एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार करवाई। इस रिपोर्ट को अगले सालों में पूरी दुनिया में पढ़ा गया जिसने नादिर शाह को लगभग एक किंवदंती बना दिया। हालांकि यहीं से उसके पतन की शुरुआत भी होती है। दिल्ली से लौटकर नादिर शाह जब वापस ईरान पहुंचा तो पता चला कि उसके बेटे रजा कली ने पूर्व बादशाह तहमास्प को मरवा दिया है। रजा कली खुद को बादशाह समझने लगा था लिहाजा बाप बेटे में तनातनी हुई। इसी बीच नादिर शाह की तबीयत खराब हुई, उसे मलेरिया हुआ और लीवर की बीमारी उसको हो गई। शराब की लत थी उसको और इससे जो बीमारी थी लीवर की और ख़राब हुई। बीमारी की हालत में ही उसे पता चला कि उसका बेटा उसे मरवाने की साजिश कर रहा है। ये सुनते ही नादिर शाह का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा और उसने बेटे की दोनों आंखें निकलवा दी। इतिहासकारों के अनुसार इस घटना के बाद नादिर शाह का मानसिक संतुलन धीरे धीरे ख़राब होता गया। इस्लामी दुनिया के लीडर बनने का अवसर उसके पास था लेकिन ऐसा लगता था कि संसार से उसका जी उचट चुका था। उसने कुछ सैन्य अभियान वैसे इसके बाद भी चलाए लेकिन सभी में लगभग बेमन से लड़ा। इतिहासकार हुमायूं कादियान लिखते हैं कि नादिर शाह का रवैया इतना अजीब हो गया था कि परिवार वाले भी उससे खतरा महसूस करते थे। इसी मानसिक हालत में एक रोज़ नादिर शाह ने अपने ईरानी कमांडर्स को हटाकर अपने सुरक्षा अब्दाली अफगानों को सौंप दी। इनमें से एक का नाम था अहमद शाह अब्दाली, वही अब्दाली जिसने पानीपत के युद्ध में मराठों को हराया। नादिर शाह ने अब्दाली से कहा कि उसकी जान को खतरा है और ये बात सही भी थी। नादिर शाह के ईरानी दस्ते ने फैसला किया था कि वो नादिर शाह को मार डालेंगे। उसी रात जब नादिर शाह अपने तंबू में सोया हुआ था, एक ईरानी सैनिक ने उस पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। नादिर शाह की कहानी का इस तरह अंत हुआ। इसके बाद अहमद शाह अब्दाली ने कंधार की कमान संभाली और नादिर शाह की तरह वो भी भारत को लूटने आया। बहरहाल अब्दाली की पूरी कहानी किसी और दिन आपको सुनाएंगे, आज के लिए बस इतना ही। तारीख के इस बढ़िया एपिसोड को हमारे साथी कमल ने लिखा और आलोक ने रिकॉर्ड किया। आप देखते रहिए दी ललन टॉक।